हेलो, आपको शर्म नहीं आती है? सॉरी, कौन बोल रहे हैं आप? ये जो टूथपेस्ट आप ब्रश पे लगाते हैं, ब्रश से गलती से गिर जाता है वॉश बेसिन में, आप उंगली से उठा करके वापस ब्रश में लगा लेते हो एंड फिर उसी ब्रश को मुंह में लेके ब्रश भी शर्म नहीं आती सब करते हुए? अच्छा वो सब छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बाथरूम से आप जब निकलते हैं नहा करके, तो ऐसे सांवरिया की पोजीशन में टॉवल खोल करके पंखे के नीचे खड़े होकर के क्या सुखाते हैं आप इतना? अबे तो पागल तो नहीं? और टॉवल का कलर क्या, येलो? अबे सुनो के, हेलो, ये जो माउथ वॉश आप खरीद करके लाते हैं कुलकुची करके, ये फेंकने की जगह आप अंदर वापस क्यों ले लेते? मेरा पैसा मैं जैसे यूज करूँ, मेरा को कौन होता है सब आपका? लेकिन मुझे ये बताइए कि पंखे के नीचे सावरिया स्टाइल में पीला रंग का तौलिया इसे फैला करके आप सुखाते क्या भाई साहब? बहुत हो गया, तू अपना एड्रेस दे, अभी आता हूं तेरे को क्या सुखाता। सर आपने घर में सीसीटीवी लगवाया ना 10 दिन पहले, तो क्रॉस कनेक्शन हुआ है और आपकी सारी सीसीटीवी की फुटेज मैं अपने मोबाइल पे देख पा रहा हूँ। आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ मैं। क्रॉस कनेक्शन हो गया तो आपको आकर के हमें बताना चाहिए ना, ऐसे फोन में क्या अगर बोल रहे? नहीं नहीं, मतलब हम तो देख रहे थे और ऐसी ऐसी हरकतें आपकी, सुखाते क्या है आप? तेरे को पता नहीं मेरा पहुंच कहां तक है, तू क्या कर रहे है? मेरे को फोन करके ये सब सुना रहा है बार बार। आपने आपने गाली दी है ना? गाली तेरे को बार बार दूंगा, तेरे को सामने मिल। चलिए देखिए फिर मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, आपके वीडियोस तो मेरे पास में ना। जा तू कर ले जो करने के लिए। हेलो, सन्नाटे को चीरती सनसनी में आज हम आपको बताएंगे एक दरिंदे राजेश की कहानी, जो शुक्रवार की रात अपनी पत्नी को किचन में खाना बनाने नहीं देता, पीछे से जाकर उसकी बाहों को थामकर, उसके कमर को थामकर उससे प्यार मोहब्बत की बातें करता है। हेलो, ये दरिंदा। लेकिन इन सबके बीच में वो अपनी बीवी को प्यार से पुचकारना नहीं भुलाता। नेशनल टेलीविजन पर वो ऊंची आवाज में बात भी कर रहे हैं। ये दरिंदा अपनी खिड़की में खड़ा होकर बिल्डिंग में सूसू भी करता है। खिड़की से बाहर सूसू करने वाले इस दरिंदे की आवाज सुनिए। कनेक्शन हो गया, मेरा थोड़ी गलती है भाई, सुन मेरा बात सुन ले। और तो और ये अपने पड़ोसियों को गाली देता है। अबे भाई क्या कर रहा है ये? सारी बातें हमें उनके पड़ोसी ने बताई है, आइए। अरे भाई मेरा बात सुन रहा है ना तू? हेलो, सुन रहा हूँ। क्या क्या कर क्या रहा है तू भाई? गाली देना वीडियो फुटेज को लेकर। गलती हो गई यार, गलती। कान पकड़, कान पकड़ता हूँ, ठीक है? कैमरे के सामने आके मैं कान पकड़ो भाई, देख देख देख, तू देख रहे ना मेरे को? पहले हमें बताइए कि आप सुखाते क्या? अरे भाई क्या सुखाता, कुछ नहीं सुखाता यार, कपड़ा खोल के दूसरा कपड़ा पहनता हूँ यार। हेलो, आपकी बीवी ना बहुत बदमाश है, मैं आपको बता रहा हूँ भैया। और दिमाग मत खा यार, बताइए ये सब अंदर की बातें कोई किसी को बताता है? अरे नहीं बताता यार। तो आपकी बीवी ने हमें बताया ये सब कुछ? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, हमने कोई वीडियो फुटेज नहीं देखा है। दादा सुखाते क्या हो? सुखाता हूँ भाई, अब तो खुश है ना तू? पागल है क्या तू लोग? हेलो, इज दिस अभिषेक? हाय अभिषेक, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम टिंडर। यस, आप टिंडर का इस्तेमाल कितने सालों से कर रहे हैं? मुझे 8-9 महीने हुए हैं यूज करते हुए। एंड आपको हमारी सर्विसेज कैसी लग रही है? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आपके पास में फोन कॉल्स आ सकते हैं, सो लोग जो आपकी प्रोफाइल को पसंद करते हैं टिंडर पे राइट स्वाइप मारते हैं, और राइट स्वाइप नहीं मार करके दे कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद यू एज वेल। सच में? सो वुड यू लाइक टू सब्सक्राइब टू दिस सर्विस? व्हाई नॉट यार। राइट अभिषेक, कैन यू जस्ट हेल्प अस विद योर नंबर? 9-4-3-8-3-4। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Hello. Is it Smarty Abhishek? Yeah, yeah. I saw your profile on Tinder. Okay, okay. What's your name? Hello? Hello? आवाज आ रही है? Hello? Oh my yaar. Hello. Salaam beta. Hello. Yeah, yeah, hello. Can you hear me? Hello. अरे मैडम आप हंसी थी, आपकी आवाज आ रही है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। Hello. ये नेटवर्क काला एक। Hello. अरे मैडम बोलिए तो उधर से। हेलो, हाय स्मार्टी अभिषेक। हेलो कौन? मैं रॉकिंग सैंडी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है भैया? आई सॉ योर प्रोफाइल ऑन टिंडर। हाँ तो? तुम्हारी बॉडी कितनी टाइट मस्कुलर है, क्या टैटूज है, मैं तो देख के पागल हो गया। ए, अरे अबे तू भैया, तुम प्यार से मुझे जान कह सकते हो? अबे क्या आदमी है क्या भाई, तुझे देख मैं वैसे। ओह माय गॉड, तुम्हारे जबान से गाली कितनी अच्छी लग रही है। अंदर वालों ने लगा दी तालों भी। अबे भाई सुनिए, देखिए ऐसा है कि मैं बहुत स्ट्रेट आदमी हूँ, मेरा आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो टिंडर पे क्या कर रहे हो, प्लीज मुझसे मिलो ना। अबे भाई फोन रख तू, ठीक है? मैं फोन रख रहा हूँ, दोबारा फोन मत कर रहे तेरी। प्लीज, ओह यस, एक बार मिल तो लो। फोन रख रहा हूँ, अब अगर तेरा फोन आ गया ना गलती से, तेरी ओ नो, प्लीज मुझसे मिलो ना एक बार, प्लीज मिलो मुझसे। ये साला डर वालों की माँ। अबे डर पे और भी तो लोग होते हैं। प्यार तो मुझे तुमसे है, फोटो देख के तुझे प्यार हो गया साली।
हेलो, इज दिस स्मार्टी अभिषेक? आप कौन बोल रहे हैं? मैंने आपकी पिक्चर देखी है टिंडर पे। अबे कसम फोन रख दे भाई, मुझे मेरे को नहीं चाहिए लड़की, मेरे को नहीं चाहिए, तू भी नहीं चाहिए। मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए मैं आपके पिता समान हूँ और मुझे आपकी परेशानी दिखाई दी है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। कौन सी परेशानी दिख गई तुझे टिंडर पे? टिंडर पे आपकी जो तीसरी वाली पिक्चर है। कौन सी? तीसरी वाली जो पिक्चर है बीच पे जो आपने ली है, जिसमें आपने लाल रंग का वो कच्छा पहना है, बेयर बॉडी है और बाल गीले है, राइट? गीले बालों से ना आपकी टाक साफ दिखाई दे रही है। आई एम डॉक्टर बेटा, यही बचा था मेरी जिंदगी में, तो क्या करूं? आप हमारी क्लिनिक पे आ जाइए, हम आपके झड़ते हुए बालों का उपाय निकाल करके देंगे। हम आपको ऐसा बना देंगे, इतना हैंडसम बना देंगे कि लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी आपके लिए पागल हो जाएंगे। अभिषेक, अबे दोनों अगल बगल बैठे हो क्या? अभिषेक, आई वॉन्ट यू अभी, राइट नाउ। क्या रही है? क्या तो मेरा फोन खराब हो गया, तो मेरा दिन खराब हो गया। प्यार तो हो रहा है बेबी। अभिषेक क्लिनिक में कब आएंगे अपने उगाने के लिए बाल? डबल मीनिंग बातें कर रहे तो मुझे पता है कौन बोल कौन मुझे बता तेरी अभी पूरी कलकत्ता की जनता सर्च करने वाली है ये स्मार्टी अभिषेक कौन है टिंडर पर। मेरा अभिषेक मुझे बता दो मेरे भाई कौन। भाई रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ और हमारी टीम बैठ करके इधर भी। भाई तेरा तो मुर्गा बन गया भाई, कितना डेस्परेट है तू भाई, एक हेलो सुना नहीं तूने? हेलो स्मार्टी अभिषेक। अरे दीदी रहन दो, माफ कर दीदी। क्या बोल रहा है? हेलो सर, आप फिजिक्स के टीचर है राइट? हाँ जी। एक छोटी सी चीज मेरे को जाननी थी जिसके लिए मैंने आपको तकल्लुफ दी है। समझा नहीं मैं आपकी बात को। वो जो एप्पल गिरा था, कौन सा एप्पल? न्यूटन वाला। हाँ। वो न्यूटन ने क्या खोज करी थी सर? ग्रेविटी ही खोज करी थी। ये ग्रेविटी को सर हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब धरती के अंदर एक खुद का उसका आकर्षण होता है, पृथ्वी के अंदर। जैसे लड़कियों के अंदर में अपना आकर्षण होता है वैसे ही जी, उनका आकर्षण कुछ अलग है, आप तो उसको इससे ना जोड़िए, ये अलग है। तो जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं वो धरती के अपने एक्सिस में आएगी, उसकी रेंज में आएगी, यानी कि पृथ्वी की तरफ वापस वो खींच चली आती है जी, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। मुझे लग रहा है ना सर मेरे बेटे में गुरुत्वाकर्षण की कमी है। गुरुत्वाकर्षण धरती के अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर होता है। तुम्हारा बेटा पृथ्वी नाम है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की कमी है क्योंकि लड़कियां उसकी तरफ खींची नहीं आ रही है। 36 साल उसकी उम्र हो गई, शादी अभी तक हुई नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है तो लड़कों के अंदर गुरुत्वाकर्षण की कमी थोड़ी ना हो जाती है। हाँ तो यही तो देखिए, लड़के का नाम पृथ्वी है, अगर लड़कियां आकर्षित नहीं और इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण की कमी आएगी नहीं? सिर्फ नाम पृथ्वी होने से उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण नहीं आ जाएगा। कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? अबे तू क्या से, कितने साल से नहीं पता तो चले लोगों को कितने साल से आप बना रहे हैं। एक मिनट, बना रहे का मतलब क्या होता है? बना रहे मतलब इंटेलिजेंट बना रहे हैं, हर चीज का मतलब सीए नहीं होता ना। पापा क्या हो गया? फिर से ना बोल दी। तो तुम शक्ल देखो बेटा, शक्ल में गलती है तुम्हारे। हेलो, क्या प्रॉब्लम है मेरे को? आपको बना कहाँ रहे हैं सर? आप तो हैं मतलब। अगर मैं तेरे को वहीं घुस के मारूंगा तू जहाँ पर है। टीचर को ये शोभा नहीं देता सर। पापा शोभा तो मुझे भी नहीं देती है। तुम्हारी तो शक्ल में ही प्रॉब्लम है बेटा। तुम तो सुबह सुबह हम भी मिले आने के लिए पृथ्वी का आकर्षण। कल को हमारे बेटे का नाम गुप्ता होगा तो क्या भूख नहीं लगेगा? गुप्ता नहीं सर, कुत्ता। फोन रख, हमको करेक्ट मत करें यहाँ पर ज्यादा। हेलो, गुरुत्वाकर्षण का रिचार्ज हो जाएगा क्या आपके पास में? सर तो कोई रिचार्ज नहीं होता। 73 रुपए जोड़ करके लेकर आए, रिचार्ज कर दीजिए ना अंकल। देखिए भाई साहब, सुनिए 73 में छोटा छोटा ही होगा लेकिन कर दीजिए, कम से कम 3-4 लड़कियां तो अट्रैक्ट होंगी उसकी तरफ। 1 लीटर कर दीजिए कम से कम। 1 लीटर का रिचार्ज नहीं होता, थप्पड़ खाएगा तुम। हेलो, कौन है जो आप परेशान किए जा रहे हैं? सुनिए मैं बोल रहा हूँ जी, आप उसका गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। गुरुत्वाकर्षण बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, अरे हम मोबाइल चार्ज करके दे देंगे आप ये गुरुत्वाकर्षण। अंकल आप मोबाइल भी चार्ज करते हो? आप मोबाइल रिचार्ज करके दे देंगे क्या? पैसे दीजिए, हम सब करके दे देंगे। पैसे दे करके अपना ईमान बेचने के लिए आ गए आप? मुंह पे थूको मत इनके। जितना रुपया लगेगा उतना रुपया देने को तैयार है? आप 6-7 किलो दे दीजिए उसको गुरुत्वाकर्षण प्लीज अंकल। अरे तुम एक काम करो, तुम अपने बेटे का पृथ्वी से बदल के मंगल ग्रह रख दो। वाह 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 वाह, ताकि उसके ऊपर में मंगलयान चढ़ाई करे और कोई चढ़ाई करे ही ना, है ना? अरे हेलो, दोनों बाप बेटे। सर गुड मॉर्निंग, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और मुर्गा बना रहे थे। ओ, तो हेलो। आपने कल या परसों कोई बॉल पेन खरीदी थी क्या कंपनी की? कौन बोल रहा है? सर मैं उसी कंपनी से बोल रहा हूँ जहाँ से आपने वो बॉल पेन खरीदी थी। अच्छा, क्या हो गया? दरअसल वो जो बॉल पेन आपने खरीदी है ना, उसकी बॉल हमें वापस चाहिए थी। बॉल चाहिए के? कौन बोल रहा है बे तुम साला? हम कंपनी से बोल रहे हैं लेकिन आपका लहजा सुनकर के हमें बड़ी हंसी आ रही है। अबे लहजा गया, लहजे के अंदर तो बॉल है ना साले, वो फेंक के मारूंगा।
नहीं दरअसल क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही है ना अभी क्रिकेट मैच। अबे तो तुम बॉल के साथ खेलो ना के। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो बॉल इस्तेमाल की जाएगी, इसलिए वो पेन की बॉल चाहिए। अबे तुम्हारी कोई ऐसे बॉल वापस मांगता है तो कभी पास जाना तू जाएंगे हम टट्टी करने, दो गोले निकालेंगे बॉल वो देता तेरे को मैं, अरे बॉल पेन का बॉल वापस चाहिए। अरे वाले फिर कॉल किया तूने, मेरे को बॉल वापस चाहिए ना, एक काम कर, एक हाँ। एक मिनट मेरी बात सुन, तेरे को अगर बॉल वापस चाहिए ना तो तू ना अभी मेरे पास आ। एक मिनट, मैंने बॉल लेने के लिए कॉल नहीं किया। तो किस लिए कॉल किया? मैंने बस इतना कहने के लिए कॉल किया, आपके साथ चिंदी चोर आदमी मैंने देखा नहीं है, खाली पेन का बॉल ही तो मांगा था आपसे, कौन सा आपकी बीवी मांग ली थी आपसे? क्या मैं बता रहा हूँ तेरे को, कौन क्या बात कर रहा है? सर मैं रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे हैं। प्रवीण भाई तुम पागल हो गया, आओ था मुझे गाली। आदमी भेज रहा हूँ, बॉल निकाल के दे दीजिएगा। आप आओ यहाँ पे साथ में बॉल खेलते हैं। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। हेलो, आपका बिजली का बिल का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक, बिल का अमाउंट थोड़ा बड़ा है और तीन दिन निकल गया ऑलरेडी। इतना बड़ा है जी, 200-300 रुपया तो आता है तो भर दिया जाएगा। एक मिनट, आपको गलत फहमी हो रही है, आपका 300 रुपए का बिल नहीं है, आपका 24,687 रुपए का बिल है। 24,000 का बिल? पागल है क्या जी? पागल क्या, आपका यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा है, आपका पेमेंट है जो आपने अभी तक किया नहीं और तीन दिन हो गया, बकाया डेट निकल गई है आपकी। अरे अरे 24,000 बिल कहाँ से आएगा? बताए आपका घर का बाहर में गणेश पूजन का प्रोग्राम हुआ था। तो गणेश पूजा हुआ तो मेरे घर में बिल आएगा। सुनिए ना, वहाँ प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर वो बत्तख वाला लाइटिंग लगाया था, बत्तख ऐसे उठता है पानी में घुसता है, उठता है पानी में घुसता है, जो आप अपना बेटवा को ले जाकर के दिखा रहे थे बार बार लगा था, तो वो जो पंडाल का बिजली का कनेक्शन गया था वो आपके घर से हुकिंग मार के ले गए थे। अभी आपको ये पेमेंट करना, नहीं तो आपकी लाइन काट दी जाएगी। दिमाग खराब है काजी, मेरे घर पे कैसे जोड़ दिया, जबरदस्ती का बात कर रहे हैं? तो हमको का हमारे ऊपर में काहे चिल्ला रहे हैं आप? आपको देना पड़ेगा 24,687 रुपए। अरे साला फ्रिज वो बंद करने बोला ना तुमको, नहीं देख पा रहे, साला बिल आया 24,000 का, तुम लोग साला पंखा टीवी एलईडी सब दिन भर चलाते रहता है साला। आपको 24,600 बिल हम नहीं भरेंगे, बिल हम नहीं भरेंगे, वो तो आपके में हम निकाल लेंगे। एक मिनट, बिजली विभाग वाले को गाली तो ना दे पहली बात। बिजली विभाग में हम पैसा वैसा नहीं देने वाले। फ्रिज बंद करवाइए पहले, फ्रिज बंद करवाइए, आपका फ्रिज चल रहा है, बंद करवाइए। बंद करना जल्दी, बंद कर, बंद कर, बंद कर। हेलो, 24 घंटा था घर वाले को घर आने में लग गया भाई। आप भी तो बैठ करके पंडाल का बत्ती देखे इतना देर, पैसा तो देना पड़ेगा। बत्ती देखे तो हम कहाँ से देंगे आपको? कोई हमारे ऊपर आए हंस रहे हैं आप? अरे आपको कोई बिल नहीं आया 24,687 रुपए का, मजाक कर रहा था। मैं आरजी प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। आप लोग भी सही टाइम पे जलाते हैं आप। वो न्यूज़पेपर में ऐड दिया था सर शादी के लिए। जी दिया था, आप कौन बोल रहे हैं सर? सर हमारी एक एजेंसी है, बहुत सारे लड़कों के प्रोफाइल रजिस्टर्ड हैं। बहन के लिए मैं चाह रहा हूँ कि उसको एक ऐसा लड़का मिले जो उसको खुश रखे, अच्छी सैलरी कमाए। सर खुश की तो बात ऐसी सर कि मतलब हमने आज जितने भी रिश्ते करवाए सारे वेरी हैप्पी। हम डायरेक्टली आपके लड़कों से बात करवा सकते हैं? हाँ सर करवा दीजिए। विप्लव जी जरा बात कीजिए आप। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए विप्लव कैसे हैं? मेरी बॉलीवुड बहुत बढ़िया है, मैं एकदम दस्त एकदम बचपन दाऊ एकदम। आपकी आवाज बहुत अजीब सी, आप ऐसी बात करते हैं? अब मेरा मजाक ना उड़ाए, मेरी आवाज अजीब सी ही है। उनको ये कह के आप उनका दिल दुखा रहे हैं। सर यू आर हर्टिंग मी। अरे सर आप क्या सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको, आप चुप रहिए 2 मिनट के लिए। आप क्यों मेरा कॉपी कर रहे हैं? ऐसा है कि ये ग्रेट खली के बहुत बड़े फैन है, मतलब बड़े से ही बड़ा बड़ा बॉडी भी उन्होंने वैसी बना रखी है। और जी बिल्कुल वैसी है, बाउंसर का काम करते हैं। जी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बहन को खुद की बहन से भी ज्यादा सुरक्षित रखेंगे। बिल्कुल नहीं, क्या बोल रहे हो? क्या बात हो रही है यार, क्या मजाक चल रहा है? आपको विप्लव पसंद नहीं आया, तुम्हारे पास में रोहित नाम का एक लड़का है, इसमें एक लोग लाइए आप, थोड़ा प्लीज। इतना हाई प्रोफाइल है मैं क्या बताऊं सर, आप बात कराइए थोड़ा। चल तेते आप। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? दी मैं एकदम ततातत। ततातत क्या होता है भाई? इनका मतलब फटाफट, ततातत। ओके ततातत अपना लियल ताम है। रियल नहीं भाई, रियल रियल स्टेट होता है। तो वही ओला हमने, आपकी बहन क्या चलती है? मुझे अपनी बहन की आपसे शादी नहीं करनी, मुझ में क्या तनी है? वो मामा मामा की जगह तामा तामा बोलेंगे यार, रहने यार चल। तुम मजाक लगा रखे जो तुम आदमी की। अरे नहीं करनी यार शादी, नहीं करनी मुझे अपनी बहन की शादी। फोन रख।
एक्सक्यूज मी, आप ये गालियाँ किन को दे रहे थे? कौन बात कर रहे हैं? यू आर लुकिंग फॉर अ मैच फॉर योर सिस्टर, राइट? या जी, तो नाउ आई एम इन टू माइंड्स बिकॉज यू नो द काइंड ऑफ लैंग्वेज यू यूज. नो, दिस इज नॉट लाइक दैट. आई वाज गेटिंग सम रैंडम कॉल्स एंड सॉरी, आई डोंट थिंक द काइंड ऑफ लैंग्वेज व्हिच यू आर यूजिंग. आई वुड वांट माय सन टू बी मैरिड टू दैट फैमिली. नो, लिसन टू मी, आई थॉट दैट द गर्ल वुड लिव इन अमेरिका, बट देन यू नो लाइक यू, शी वोंट हैव एनी सेंस. हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में. सर, ही सीम्स अ नाइस बॉय. मैं मेरे दो बेटों के लिए लड़की तलाश रहा हूँ. Would you like to talk to of my son? Yes. Okay. हाँ, आ जाओ. नमस्ते अंकल. तेलो. तेते हैं. तेजे हैं. कहाँ से आ गए? दाद देता हमारे दाद ते बाप में तेता है. हम तो थाली तले ने ना थी. अरे भाई, तुतला ले. तू पहले तुतला ले. ठीक है. दूसरा भाई है खली का बच्चा. क्या दिमाग खराब कर रखा है? क्या आप मेरे बेटे से बात नहीं करना चाहते? अरे बिल्कुल नहीं करनी सर, आप रहने दो, ये शादी ही नहीं हो सकती. अरे हम भी तुमसे बात नहीं करना चाहते. तुषार कपूर के भाई, चल निकल यहाँ से. हेलो, साले बोल तोतले. मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे, प्लेन एंड सिंपल. बहन की शादी के लिए हम है ना मरे नहीं हम. आपसे तो मरे ना करूँ मैं. तो आपसे करना भी कौन चाह रहा है, हम तो आपकी बहन के बारे में बात कर रहे हैं. हेलो, मछली बाबा থেকে বলছিলাম. আপনি যে মাছটা নিয়ে গেছেন উসকা পেমেন্ট কুছ বাকি হ্যায়, আপনে 500 রুপে দিয়ে থে, 7000 রুপে বাকি হ্যায়. 7000 মানে 7000 রুপিস. আরে আপকো, अरे भाला मत गाड़ो इधर, में बैठे ना तुम लोग. अरे आप बात कर रहे हैं, रुको. आप जो मछली उठाए हैं, आपको मालूम वो कौन थी? मछली जल की रानी थी. जीवन उसका पानी थी. रानी थी, रानी उसका इतना बड़ा साम्राज्य था. आप मछली उठा के ले गए. तो मछली के पति से बात कीजिए, राजा इधर पे बैठा हुआ है अभी. हेलो, सकाल सकाल की यार की मच्छ हमारे. हमारी मछलावती को आप खा गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए. सकाल सकाल एमी हमारे ताजे फाजे भेड़ हुआ. राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया. दिल ने दोनों खाई. अरे राजा जी, सॉरी, आपने जो मछली खाई वो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की भाभी थी. एक अबला मछली को आपने पूरा साम्राज्य उसका खाली कर दिया. आपने कॉम्पेंसेशन दादा शेरा तो दीते ही हमें, ना दिले अपना पेट चीरे अपना उसका टाटा बैर कर लो. हमें प्रतिशोध नीचे, हमें प्रतिशोध तो बदला हो गया. अरे सुनिए ना, 7000 रुपए दीजिए ना, राजा का शादी कराएंगे वापस से. सुनिए ना, राजा का शादी करवाना है, 7000 रुपए वो बैंड वाला मांग रहा है पैसे. ठीक है, मछली खाने से पहले आपने सोचा नहीं कि मछली जल की रानी है? रानी को खा गए आप. अरे दादा इट्स ओके. सुनिए, हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे. लेकिन दादा मछली जो खाई ना, किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, किसी की भाभी थी, किसी की चाची थी, किसी की दादी. हेलो, आपने वक्त हमारा खोटी कर दिया, बर्बाद कर दिया. भाई साहब बात कौन कर रहा है? इतना वक्त हमने नल के नीचे कभी नहाने में भी नहीं लगाया. अरे बोल कौन रहा है? मैं आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ सर, और आप ही हमारी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं. परेशानी क्या है वो तो बताओ. आप कुछ करते क्यों नहीं है? मतलब मैं घर पर, आप कुछ करते क्यों नहीं है? करूँ नहीं करूँ उससे तुझे क्या मतलब है? आप खिड़की बंद करके रखी है अपनी, बस. क्यों बंद करके रखूँ? मेरी खिड़की है, मुझे हवा चाहिए. देखिए, आपकी खिड़की बंद रहने से बाकियों का भला होगा. अबे लेकिन मुझे मेरी सुविधा का पता है ना. देखिए, आपकी शादी हुई अभी रिसेंटली, सुंदर सी बीवी आई है. जबान संभाल के बात कर, समझ ना? हम ऐसे दिन भर खिड़की पर बैठे रहते हैं, यही आस लगा के कि आप खिड़की पर आएंगे, कुछ करेंगे. नहीं नहीं, शादी हुई है, लेकिन कुछ करते ही नहीं है आप. मेरा नाम बता मेरे को, किधर रहता तू? मैं तेरे घर के बगल में रहता हूँ. खिड़की पर आओ थोड़ा, रुक. हम लोग भी देखे. अबे मेरी खिड़की का छोड़, मेरा जो बेटा है उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है. मैं हमेशा खिड़की के सामने बैठा हुआ रहता हूँ. आप कुछ करेंगे कुछ करेंगे, बेटे की पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ मैं. पापा टूटू टूटू सा, ये अंकल कुछ करते नहीं है. अंकल को बोलो कुछ करने के लिए. अंकल मेरी पढ़ाई छूट रही, प्लीज कुछ करो ना. देखिए बेटे की डिमांड है, आप तो कुछ कर लीजिए खिड़की पे. घर में घुस के मारूंगा मैं, समझ गया क्या? अंकल तेरे बेटे के ना लटका दूंगा तेरे घर. अंकल मेरा तो अभी तक भी नहीं है. अंकल कह दो ना.
हेलो। देखिए आवाज हमारी बड़ी खराब लगेगी, लेकिन बता रहा हूँ आइडिया बड़ा जबरदस्त है। कौन बोल रहा है? मेरा दूरबीन का काम है। मैं क्या करूँ? चाहता हूँ कि तीन चार बिल्डिंग दूर से भी लोग ऐसे देखे ना, तो उनको साफ साफ नजर आए। वो बगल वाला है, उसी ने बोला कि तेरे को अगर आप खिड़की पे आके कुछ करेंगे ना तो हमारे दूरबीन बिक्री होंगे और 50% प्रॉफिट आपका है भैया। फिर दूरबीन ना तेरे दुकान में आके ना तेरे साले। एक मिनट, आप कुछ करते क्यों नहीं है? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम आपको हकीम का नंबर भी दे देंगे। तेरी दूरबीन का जो कांच है ना वो फोड़ डालूंगा मैं के अंदर, बता रहा हूँ मैं के फोड़े। हेलो सुमित जी। हेलो जी, नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका एमएमएस नहीं ऑडियो एमएमएस बना रहे थे, यानी कि मुर्गा बना रहे थे हम आपका। भाई साहब अंकल आ गया, देखा हमारे लौंडे के लिए कर दो थोड़ा सा वीडियो, थोड़ा कर देना। अब तो एक्शन सच्ची दिखाना बनता है, तुम कैमरा लेके जूम कर, जूम कर दिया। हेलो, सारा काम हो गया है। हेलो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हेलो, कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाना, घर से बाहर मत निकलना। अब्दुल तुम्हें फोन करेगा, सारा सामान मालदा के एक आम बगान में रखा हुआ है। पुलिस को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हेलो, हेलो, आपके पास में क्या कोई ऐसा फोन कॉल आया जहाँ पर दुबई की बात हुई? और बाजार पुलिस क्वार्टर से के बोलछी, আমাকে একটা ফোন এসেছিল, আমাকে যেটা বললো যে 8:39 এ ফোন করবে ওই আব্দুল নামে একটা ছেলে। আরে কি মালদার কি আমবাগানে কি সব রাখা টাকা আছে? আরে হাম ভাই বল রাহা হ্যায় জো তুমকো বোলা থা কি 8:39 কো আব্দুল ফোন করেগা, মাই তো টেস্ট লে রাহা থা তেরা। ধোকে বাজ এক নম্বর কা পিস্তল নিকালেগা, বন্দুক নিকাল ইসে ঘর মে ঘুম কে পা রাহা হ্যায়। হাম দুবাই জায়েঙ্গে উসসে পহলে তুমকো মার কে জায়েঙ্গে, নিকাল বন্দুক। ভাই নিকালে আবি এগো ফাট কাটা ভি লেলে লে লিয়া একদম হাত জোর কোছি লি এরকম করবে না প্লিজ। তোর মুখটা যদি ধাপা না বানাই দেখ। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ কাম হো গয়া। কি বলছেন? কাউকে কিচ্ছু বলবে না। দেখো মেরে পতি অলরেডি নিকল চুকে হ্যায় ঘর সে। ভুল জায়গায় ফোন করছেন, দেখুন। চলে শুদ্ধলাল, তোমার সাথে দোয়া খেলবো। আপনি অ্যাড্রেসটা বলুন। সন্ধে 5:30 নাগাদ চলে এসো, তুমি আসবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। তুমি ঘর সে নিকল গে লড়কি কে পাশ মে জায়গা। না 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 না, আমি সিদ্ধা সিদ্ধা কিছু না, বিশ্বাস। পাইলে পুলিশ কো অ্যাড্রেস দিয়া। আরে টিকটিকি ইতনা রং নেই বদলতা জিতনা তুম বদলা হ্যায়। টিকটিকি রং নেই বদলতা হ্যায়, গিরগিটি বদলতা হ্যায়। তো হ্যায় গিরগিটি, ইসকো মারা। और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे, बस ये बोल के कि किसी को बताना मत, काम हो गया है। यार आपने मुर्गा का मेरा चिकन भरता बना दिया आप लोगों ने। एक मिनट, तुम्हारा पैंट नीचे से गीला गीला क्यों लग रहा है? হ্যালো সোমাদি বলছি, আমি আপনার বাড়িতে জলদি আসি প্রত্যেক দিন সকাল বেলা। হ্যাঁ 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 বলো বলো। আমার তো এই আধার কার্ড প্যান কার্ড ওই লিংক করা ছিল, আমি তো জানি না দিদি, তো একটু তুমি যদি হেল্প করে দাও আমার খুব ভালো হয় দিদি। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কোনো ব্যাপার না, তুমি চলে এসো না, রবিবার দিন চলে এসো, আমি বাড়িতে থাকি তখন। রবিবার দিন তো আন্টি আঙ্কেল থাকে না বাড়িতে, কোনো অসুবিধা নেই, আমি তখনই তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবো। ঠিক আছে দিদি, ঠিক আছে। হ্যালো সোমা, আমি ওই জলওয়ালা বলছিলাম। হ্যাঁ বলো। এই ব্যাপারটা তুমি আগেও আমায় খুলে বলতে পারতে, মানে তুমি হামকো ভালোবাসো, এই ব্যাপারটা তুমি হামকো আগে ভি খুলকে বল সকতা থা। এই তো কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ তুই কে ভাই? আমি ওই যে জল দেনে ওয়ালা। জলওয়ালা হওয়া জলওয়ালা হওয়া, তোমাকে না এমন চাপ দেবো না। আমার বন্ধু হামকো বলায় সোমা বাড়িতে ডাকছে তোমায়, বাড়িতে কেউ নেই তার মানে সোমা তোকে ভালোবাসে। ওরে এর বাচ্চা, বন্ধুকেও মারবো তোকেও মারবো, কে লাগবো একটা মার মাটিতে পড়বে না। তুমি মাইক্রোবায়োলজি পড়ছো তো? ছটা বাড়িতে আরো জল তুলে তোমায় মাইক্রোবায়োলজিও পড়াবো। তোমার ম্যাক্রোমাইকো আমি বিগড়ে দেবো। আই লাভ ইউ সোমা, আমার ভালোবাসাটাকে এভাবে ঠুকরিও না। তোমাকে ঠুকরাবো কি? তুমি এসো না, পুলি দিয়েছি আপাতে, দেখো তোমাকে কেমন ঠুকরানো হয়। সোমা তোমার জন্য আমি নতুন জামা কিনেছি এই পূজায়, আমি আর তুমি এক। তুই রাখ ফোন। হ্যালো সোমা। হ্যাঁ বলছি। তুমি আমাকে অনেক ভালো লাগো। এইটা আবার কোন নমুনা, কে বলছো? আমি দীপের বাবা বলছি সোমা। আমি দীপ টিপকে চিনি না। আরে তোমার ঘর মে পানি দিতে আসে না? হ্যাঁ চিনি, ওই ঢাকছে ততক্ষণ কথা হয়েছে আমার। এই তো তুমি চিনো আমাকে, পাতা চলা হয় তুম উসকো মোহব্বত করতে হয়। মোহব্বত করতে? তুমি বুড়ো ঢাক, তুমি এসো তোমার ছেলেকে নিয়ে। কালকে আসছি আমরা। জল নিয়ে আসছো তো? নাই 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 নাই, শাগুন নিতে আসছি। বাড়ি একটু ছোট আছে তো, জাদা আওয়াজ করবে না, ঠিক আছে তো? আমার বউ আমাকে অনেক পছন্দ। সাহস কি করে আছে তুমি আমাকে ফোন করে আজে বাজে?
সোমা আমার বাবার এত বড় ছেলে হয়ে গেছে তো সাহস হবে না ওরে শালা তুই আওয়াজ দিবি বাবা আমি তো তোমাকে ছবিটা দেখিয়েছি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছো এই সোমা আমার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে নিবে ঠিক আছে তো তোমার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট তোমাদের আমি দুজনকে টেকা জানা লাগে আজকে থেকে তোমার ঘরে এক্সট্রা 2 লিটার জল যাবে ওই শহীদ মিনারে ঝোলা আমি দেখ কি করি একটা কথা বলো এত হাইপার কেন হচ্ছে বিয়ে তো করবে জালওয়ালা তো কো টেনশন না আছে আমি বহুত ভালো করে রাখবো তোমাকে একদম থাকবই না তোর সাথে আরে তোর জন্য জলের ড্যাম বানাবো তোর আমার সেটা মেলে তোর এই তুই বেটা না পারিস বাংলা বল তোকে আমি ড্যামে ডুবি জলওয়ালাকে ভালোবাসবে না এই কাম করে গুসা সাইড রাখ দো কিউকি মানে আরজে প্রবীণ বোল রেড এফএম 93.5 সে जलवाला को प्यार करने का अधिकार नहीं है लेकिन एक तो बात है घर में जब बोमा बन के आएगा तो ज्यादा आवाज मत करना घर छोटा है भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं नमन जी का जिनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका ब्रेकअप 6-7 महीने पहले हो गया था लेकिन याद अभी भी बरकरार है सिर्फ इन्हीं के दिमाग में ही नहीं इनके दोस्तों के दिमाग में भी बजाओ इनका बैंड हेलो हाँ जी नमस्कार जी नमन जी बात कर रहे हैं आप कौन अंकल हाँ बेटे मैं कैलाशी बोल रहा हूँ कौन बोल रहे हैं कैलाशी बात कर रहा हूँ आपके साथ कुछ समस्या चल रही है 2-4 दिनों से कुछ ऊपरी हवाओं का सामना कर रहे हो हाँ जी गुरु जी एक्चुअली मेरे को क्या कहते हैं छोड़ 4-5 दिनों से मेरे को किसके नंबर से ना कॉल आती है तो मैं फोन उठाता हूँ कोई बोलता नहीं है अच्छा अभी उसकी कोई रिंगटोन सी समझ में आती कुछ है, आवाज है आवाज जो आपको सुनाई देती है हाँ जी आवाजें आती है मतलब बहुत ड्रामी सी आवाजें मतलब जैसे हॉरर आवाज होती है एक काम करो बेटे जी घर पे हो अभी बोलो तो किचन में जाके 10 लौंग ले लो ज्यादा लौंग मत लेना मुट्ठी बंद करनी है अच्छा 10 लौंग लेनी है हाँ 10 लौंग लो अंकल जी मैं कर तो दूंगा ये पक्का समस्या मेरी थोड़ी आप करो तो बेटे घबराओ मत इतना नहीं घबराते हाँ जी जी मैंने ले ली 10 लौंग ले ली हाथ में अब जो मैं बोलूंगा उसको रिपीट करना हाँ जी त्र्यंबके न खम्बके क्या त्र्यंबके न खम्बके त्र्यंबके न खम्बके न हम्बके न तम्बके न हम्बके न तम्बके न जो बके कौन सा बके द जो बके द जो बके माता पिता का नाम ले लो एक बार हाँ जी बिल्कुल ले लिया जी कुछ ऐसी आवाज आती है हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसी आती है आपको सुनाओ मत अंकल बहुत डर लग रहा है प्लीज बताओ मैं क्या करूँ जल्दी तेरे पे टोटका कर रखा है तेरे पे भयंकर वाला अरे अंकल जी किसने करा चेतना कौन है गर्लफ्रेंड है तेरी जी नहीं जी मेरी तो पहले थी मतलब बहुत पहले थी क्या तूने छोड़ा था उसको उसने तेरे को छोड़ा था उसने छोड़ दिया जी मेरे को भैया उसने टोटका करा है तेरे पे मेरे को बचा लो जी हैं प्लीज मेरे को बचा लो बचाने का मेरे बच्चे एक ही तरीका है हाँ जी बोलो उसे भूल जा अरे जी मैं कैसे भूल जाऊँ बेटे भूल जा पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा उसी चक्कर में तेरे पर टोटका कर रही है भूल जा अंकल मेरे को बचा लो तो घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट एक काम कर हाथ में से लौंग हटा ले लौंग हटा लिया जी मैंने बिल्कुल और गारंटी की बात है तू भूल चुका है उस लड़की को हाँ जी अब मैं भूल जाऊंगा पक्का भूल जाएगा प्रॉमिस है जी ठीक है अच्छा वैसे अंकल जी एक बात बताओ जो बोल रही है पीछे से क्या चेतना ही है क्या नहीं चेतना नहीं है वो जानना चाहते हो वो बातें हैं क्या जी मैं जानना तो चाहता हूँ एक सेकंड रुक जा दिक्कत है तो प्लीज मुझे मत बताना मैं ना ना कोई दिक्कत नहीं है सुन ले एक सेकंड सामने आ कह रहा हूँ त्र्यंबके न हम्बके न खम्बके न तम्बके सीधी आ सीधी आ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ सर आपका बैंड बजा रही थी सर अब अंकल झूठ मत बोलो आप मेरा क्यों मजाक कर रहे हो हेलो हेलो भाई ये सच है मैं आशीष ही बात कर रहा हूँ तुम्हें रात को हमारे प्रोड्यूसर के नंबर से आपको फोन आता था भाई और आपके दोस्तों ने ही आपका बैंड बजाया अरे सर क्या बताऊं भैया मैं बहुत ज्यादा मेरे आपको कुछ नहीं पता कहां कहां से पसीने सब टपक रहे हैं भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं निखिल अवस्थी जी का थोड़े दिनों पहले अपने दोस्तों के साथ चिड़ियाघर गए थे और वहां पे मजाक मजाक में ही हंसी ठा के लगाए बांदरों के साथ और तोतों के साथ अब भारी पड़ेगा बजाओ इनका हेलो हेलो हाँ जी ये निखिल जी बात कर रहे हैं हाँ जी बोल रहा हूँ जी नमस्कार जी ये सोम प्रकाश बोल रहा हूँ मैं दिल्ली चिड़ियाघर से तो बताओ भाई क्या काम है जी क्या काम है थोड़ा आराम से बात करो क्या हो गया बताइए हाँ बात दरअसल ये है कि आप थोड़े दिनों पहले यहाँ पे चिड़ियाघर में आए थे हाँ जी गए और सीसीटीवी कैमरा और ऑडियो की रिकॉर्डिंग से ये पता चला है कि आपने बंदरों के सामने जाके और ये पक्षियों के सामने जाके आपने गालियां दी है
मैंने नहीं दी जी कोई गाली बात। तुम आपके घर पे सीसीटीवी जो है लेकर आ जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा की, उसमें ऑडियो भी है और उसमें वीडियो भी है। आपके माता पिता को भी दिखा देंगे आपने किस तरह की घिनौनी जो है गालियां निकाली है। ठीक है, यो कोई ना करे आज की डेट में, बंदर को बुला बुला के आप चा से बोल रहे हो आज अकेले ले ले। मैंने जी कोई नहीं, आप सुनो मेरी बात सुनो, आप जिस तरह से बात करो आपको क्या लग रहा है मैं आपको मुलाजिम हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक सेकंड रुकिए जरा, इसने ले आइए मेथी लाल के तोते को, ले आइए जरा इधर, ये स्पीकर पे डाल रहा हूँ मैं, आप सुनो जरा तोता क्या कह रहा है। मेरा बाप है तू? हाँ। अच्छा ये सुन रहे हो? ये कुछ नहीं सिखाया, ये सुन लो आप। उल्लू का बट्टा, बंदर तो किस किस तरह की गाली दे रहे हैं मैं आपको बता भी नहीं सकता। बंदर कर दे, लाल कर दे तेरा बच्चा, लाल कर दे तेरा बच्चा। सर जी मैंने कोई गाली नहीं दिया, मैं क्यों तुम बंदर आप की हमारे पास। ये सुनो मेरी बात, इसने मेरे को ये भी बोला था तेरी माँ बहन कर दूंगा जब भी मेरी माँ बहन रहती भी नहीं। मैंने सर जी ऐसा कुछ नहीं सिखाया तोते को, मैं क्यों तोते। ये तोता बोल रहा है, कैन यू बीट दैट? ये क्या तोता भाई, मैंने ऐसे कोई गाली नहीं सिखाई है सर जी, आप क्यों आप मेरे को ऐसे फोन कर रहे हैं? आप ऐसा है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज एज सून एज पॉसिबल आप यहाँ पर चिड़ियाघर में आओ और इनके ये ब्रेन वॉश करो इनका कि ये सब ये ना करें। सर जी मुझे, मैंने जब किया ही नहीं मैं क्यों आऊँ उधर, मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, आप खुद समझाओ इनको, मेरे को मैं नहीं आऊंगा वहाँ पे। मैं बात को करने की कोशिश कर लेता हूँ, मेरे बेटे तोते आपने इनके दिलो दिमाग पे इतना गहरा इम्प्रेशन छोड़ दिया है, चोट लगी दिमाग पे। सर जी ये आपने सिखाए हैं मुझे लग रहा है आप। मैंने कोई नहीं सिखाए, एक सेकंड, तोते मेरे बेटे। हाँ? ये किसने सिखाया आपको ये सब? यही आज नीली बुड़ छोड़ बैठ कल दिन चिड़ियाघर में जब तो आकर के चा से बा से ला से पत्नी क्या क्या बोल रहा था। ये देखा ना के तेरे मारूंगा फिर लाते हैं। हेलो निखिल बेटे आप ये तोते को बोल रहे हो? आप कौन बोल रहे हो? भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूं, आपका मैट बजा रहे। तुम चिड़ियाघर में जाके बंदरों को ऐसे ऐसे करके बोलते हो? मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला यार, ये तोता मेरे पीछे पड़ गया, मेरे को बोलना पड़ रहा है। हेलो सागर जी, आपने कॉल किया था कुछ पॉलिसी वगैरह के बारे में बताने के लिए। सर अगर आप टाइम दे ना तो मैं पर्सनली विजिट करके आपको सारी। सागर दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। आपको 7,000 पर मंथ के हिसाब से पैसे पे करने होंगे और जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें टैक्स बेनिफिट है क्या? मैं आपको उसको मेल कर देता हूँ, अगर आप मेल आईडी दे देंगे तो आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। क्या ये पॉलिसी में अपनी वाइफ के लिए एंड अपने बच्चों के लिए और अपने साले के लिए ऐसे कर सकते? हाँ हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल सबके लिए कर सकते हैं। इट्स अ जॉइंट फैमिली, सो 20 मेंबर्स की फैमिली है। नहीं सर तब तो और फायदेमंद रहेगा, बिकॉज हर किसी का अगर हो जाएगा तो हर किसी के लिए होता है ना। ठीक है सागर, रखता हूँ मैं भैया। हेलो, मैंने कहा सागर रखता हूँ फोन अभी। लेकिन सर क्यों रखता हूँ? मतलब रखता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास में अभी आपसे बात करने की। नहीं सर अभी तो आपने बोला कि टाइम है, मैंने बोला कि पर्सनली विजिट करके आपसे बात कर लेंगे। हमारी भुआ का लड़का है वो भी इसी सेक्टर में है, उनसे अगर मैं पॉलिसी करवाऊंगा ना तो कमीशन के जो रुपए कुछ आपको मिलते हैं वो शायद हमें हमारे भुआ के लड़के से मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ बैठा हूँ जो आपको समझा रहा हूँ चीजें, आपको बता रहा हूँ चीजें, एक चीजें बताने के बाद आपके कमीशन के पैसे आ जाएंगे। ये तो बहुत वाली बात हुई यार, काटने के लिए बैठे हैं। आपने कहा 7,000 रुपीज पर मंथ एंड रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए। बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ ना कि आपके बैंक को मेरी तरफ से ये ऑफर आप दीजिए कि 1 करोड़ रुपए मुझे पहले दे दे और मैं महीने का 7,000 रुपए आपको देते जाऊँ। अच्छा दुनिया को बैंक ऑफर देती है, आप बैंक को ऑफर दोगे? भाई ऐसे नहीं होता ना, आपको करना नहीं है तो आप बहाने बना लो। नहीं बहाने क्या बना रहा हूँ, देखिए मैं तो आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, तो आप मेरे घर का एड्रेस वेड्रेस ले लीजिए, आ जाइएगा एक बार मिलने के लिए, तो हम 1 करोड़ रुपए का चेक बैक तैयार करके लाइएगा आप बैंक से, और 20 मेंबर है तो 20 करोड़ रुपए। ठीक है सर, बस एक मिनट जी, मैं होल्ड पे हूँ सर, एक मिनट मैं बाहर निकल रहा हूँ। अच्छा मैं मेरी शक्ल पे लगा है, मैं सुबह से किसी शक्ल देख के उठा था कि आप मुझे मतलब बना रहे हो यार। एक बात, शक्ल तो आपकी देखी नहीं है ना मैंने, ठीक है तुम लग रहे हो ना एक नंबर के लग रहे हो वाली बातें कर रहे हो। मैं पागल बैठा हूँ सुबह से, मतलब मेरी पॉलिसी मुझे पॉलिसी दिखाओगे तो मतलब दुनिया को मैं चराता हूँ तुम मुझे? राइट मिस्टर सागर जी बताएं, दिस इज मिस्टर प्रशांत चौबे क्वालिटी कंट्रोलर ऑफ योर कंपनी। ये कॉल हमने जानबूझ करके किया था टू फिगर आउट कि आप कस्टमर से कैसे बात करते हैं। सर मैं तो कस्टमर से सर अच्छे से ही बात कर रहा सर, मतलब वो अपनी पॉलिसी वगैरह के बारे में बात की तो। नो वेट, कस्टमर कुछ भी कह सकता है लेकिन आप इस तरह से गाली कैसे दे रहे कस्टमर को? सुबह से मेरा टारगेट था बहुत सारा तो अब उसी में उलझा हुआ था सर। टारगेट डज नॉट मीन दैट यू विल एंड अप अब्यूजिंग समवन। आप एक काम कीजिए, अपना रेजिग्नेशन मेल टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू अस। सर सर सॉरी सर, सर एक्चुअली सर मैं बहुत परेशान था सर, ऐसा कुछ नहीं सर। नो द वन हु वाज टॉकिंग मेड सेंस कि करोड़ रुपए
बैंक पहले देते वो 7-7 हज़ार रुपए महीने देते रहेगा। यार ऐसे हजारों कस्टमर आपको मिलेंगे, बट यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस। प्लीज प्लीज राइट योर रेजिग्नेशन मेल एंड सेंड इट टू अस। सर घर में बहुत प्रॉब्लम है सर, पापा की तबियत नहीं चाहिए, बीवी प्रेगनेंट है सर, बहुत प्रॉब्लम है सर, ऐसे कैसे कर सकता हूँ। नहीं बट यू अब्यूज्ड। नहीं सर मैंने अब्यूज नहीं किया, बिकॉज वो आई हैव द फुल रिकॉर्डिंग। यार सर मैं मानता हूँ, बट सर चले भाई इतना लोड मत ले, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से द्वारा मुर्गा बना रहे थे। भाई तुमको 20 करोड़ का बिजनेस दिया। हेलो अविनाश बोल रही है। हाँ बोलिए। तुमको मालूम है हमारा जिंदगी झंड हो गया, बर्बाद हो गया हमारा जिंदगी, सुबह सुबह उठ करके बहुत चुन्ना लगा रहता है तुमको। गलत फहमी हुई हो। अरे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, तूने कल एक तो भगवान की फोटो भेज करके लिखा था 7 जन को भेजिए तो गुड लक आएगा, नहीं भेजोगे तो बैड लक आएगा, भेजा था ना? अरे भेजा होगा तो। हाँ तो मैंने वो अरे क्या गलत फहमी, घंटा गलत फहमी, मैंने 7 लोगों को भेजा नहीं, मेरा बैड लक इतना खराब हो गया साला, छिपकली के काटने से डेंगू हो गया। छिपकली के काटने से कभी डेंगू होता है? अरे होता है भाई साहब, क्योंकि छिपकली को पहले डेंगू के मच्छर ने काटा, उसके बाद में छिपकली ने हमको काटा तो डेंगू हुआ ना। है मजाक कर रहे? मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे दादाजी को इंग्लिश में कैंसर। अबे इंग्लिश में कैंसर होता है क्या? इंग्लिश में दिखाया राशि तो कैंसर आया, हिंदी में तुला था, समझ रहे हो? चाय पीने के लिए बर्तन गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, पानी भाप बन के उड़ जाता है, चाय पी नहीं पा रहे, 6 दिन हो गया। फोन रख यार, फोन रख। बैड लक तो ऐसा पीछे मैडम क्या बताए। तेरा कोई मेरे से कोई पंगा है क्या तेरा? काहे भेजा सुबह सुबह मैसेज कि 7 लोगों को ही भेजो, नहीं भेजोगे तो बैड लगाएगा है? अरे यार क्या जिंदगी बर्बाद करके बोल रहे हो? अरे यार मुझे भी तो किसी ने भेजा होगा ना, तुझे जो भी उखाड़ना है उखाड़ लेना, ठीक है चल। हेलो तेजपाल सिंह वैभव, क्या हमारी बात इस वक्त बहुत ही दिग्गज मनुष्य के साथ में हो रही है? इतना अश्लील भाषा क्यों बोल रहे हैं? शुद्ध हिंदी में आपसे बात कर रहे हैं, आपके लिए ये शायद अश्लील होगा। जजमान हम चाहते हैं कि आप हमारा एक छोटा सा कार्य संकल्प कर दें। हाँ बताइए। हमने सुना है कि आपके भेजे हुए मैसेज से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, हमारा एक जजमान है जिसने हमसे संकल्प करवा करके हमें दक्षिणा नहीं, तो हम चाहते हैं कि उनका बुरा हो, हम चाहते हैं कि आप वो जो 7 आदमी को फॉरवर्ड करने वाला मैसेज था ना वो उनको एक बार भेज दें। वो इतने व्यस्त रहते कि वो दूसरों को फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अबे साले कहाँ से तो मेरा नंबर मिलता है तुम लोगों को? आपका नंबर तो सर्वत्र है। उखाड़ फेंकूंगा जब मिलेंगे तो। आपको हम जो दूरभाष संख्या है जो तुमसे बोल रहा हूँ, फोन नंबर हम कैसे कर रही है तू? मेरा नाम तेजपाल सिंह वैभव है, हम चाहते कि आप उसका कार्य हम आपको वो नंबर कैसे भेजे आप जरा हमें बताएं, क्या हम डाक से भेजें या कबूतर के गले में चिट्ठी डाल के भेजे भैया? मिलूंगा ना साले, बड़ी मार मारूंगा तुझे मैं। जजमान में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्यों इस तरह के मैसेजेस लोगों को भेजते हैं। मिलियो मुझे, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं आपसे मिलने को उत्सुक हूँ, बेताब खाया नहीं खाया है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम 93.5 से बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था भाई साहब, ये सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करने के लिए लोगों को। प्रवीण और भेज बेटा, और भेज लोगों को मैसेजेस, 7 लोगों को भेजो नहीं तो तुम्हारा बुरा बचा लो। हेलो, हमने एड वैड सुना था आपका, देखा भी था कि आप लोग गोरिल्ला ग्लास बिक्री करते हैं। हाँ 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 बेचते हैं, अभी तो फ्रेश माल आया है। हमें क्या ना दरअसल गोरिल्ला ग्लास की जरूरत थी, तो क्या रेट लगता है आपके उधर में, मतलब कैसे क्या भाव? तो मतलब कौन से डिवाइस के लिए, सेट के लिए? मतलब डिवाइस तो देखिए हमारा अफ्रीका से लेकर के आए हम। अच्छा ठीक है, मिल जाएगा हमारे पास तो, कोई भी आप आ जाओ दुकान पे आ जाओ। 10 फीट हाइट का चाहिए और चौड़ाई में कम से कम 20 फीट का तो होना ही चाहिए मिनिमम, और वो क्या ना चारों तरफ से, मतलब काय के लिए चाहिए आपको? टार्जन ऐसे आता है हवा में ओ ओ करके और उठा करके ले जाता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है इसको लेकर के। क्या बोल रहे हैं, हमें गोरिल्ला ग्लास चाहिए। आप गोरिल्ला ग्लास बेचते हो ना? अरे गोरिल्ला ग्लास बेचते हैं दुकान पे। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हो बताना जरा एक बार? अलीपुर जू से बोल रहे हैं, जो गोरिल्ला जिसमें रखते है ना वो लोहे वाला खांचा है, वो उसमें जंग वंग लग जा रहा है, पेंट वेंट का खर्चा हो रहा है, तो हम सोचे एक ही बार में गोरिल्ला ग्लास लगवा देंगे। पागल आदमी हो गया यार। अरे नहीं भाई, आप बोल रहे गोरिल्ला ग्लास ऐसा हथौड़ी मारे टूटे नहीं, तो ठीक है उसमें गोरिल्ला रखेंगे हम लोग, है ना? हो यार नहीं, वो तो हम आपको समझ रहे थे ना, तो बोलो मत, तुम्हारी फाड़ देंगे वहीं आके, जो भी बोल रहे हो ना तुम। अच्छा गोरिल्ला नहीं तो सांप का ग्लास होगा आपके पास में? सांप ना तेरी चढ़ूंगा। बिच्छू है हमारे पास में, बहुत तरीके के, वो वैसे बिच्छू का ग्लास चाहिए था। अच्छा क्या होता ना कि के साथ में सांप बिच्छू सब एक ही जगह पे, आईडी थोड़ी ना चल रही है, क्या है? गोरिल्ला बहुत बेचैन रहता है, देखिए कितनी बेचैन। ना तो अपने घर में रख लेना आप, देखिए पागल हो गया है।
उसको गोरिल्ला ग्लास चाहिए। गोरिल्ला देखिए भैया, देखिए पैसों की कमी नहीं है, पैसों की लाइन लगा देंगे हम लोग। देखिए बेचैन हो गया फिर से ऐसा है। देखिए हेलो, वो ऐसे फेविक्विक से जोड़ जोड़ करके, ऐसे जोड़ जोड़ करके आप बड़ा बना करके खाचा दे दीजिए। बिजनेस का दिमाग होना चाहिए आपके पास में। ऐसा ऐसा बुद्धि लेके दुकान कैसे चलाएंगे आप? भाई साहब मेरे में दिमाग ही नहीं है, मेरा दिमाग हमको फोन दो, हमको फोन दो। देखिए हमारा गोरिल्ला बात कर रहा है। हेलो, अबे ये गोरिल्ला कम खाली ज्यादा लग रहा है। हेलो, रेड एफएम से बोल रहे थे आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था सुबह सुबह। अरे दादा सर, मतलब मैं तो सोचा था आज मैं गोरिल्ला ग्लास लगाऊंगा अपनी दुकान की शक्ल। हेलो, सोसाइटी में रहते हैं ना, पंकज जी नाम है आपका। जी आप कौन? सर मैं ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा था, आपके नाम की यहाँ पर टिकटें आई हैं बैंकॉक की। अच्छा, ट्रैवल पीरियड है सर आपका 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक का। बैंकॉक की टिकट मतलब समझा नहीं है मैंने, कैसे करवाया ना बुकिंग? नहीं, आपने नहीं करवाई है, ये किसी ने करवाई है आपके लिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैंने ऐसे करवाया। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ 6-7 लोग आए थे हमारे पास में। अच्छा, बोल रहे थे की पंकज जी को होली के टाइम में कलकत्ता शहर में नहीं रखना है, उनको बैंकॉक भेज दीजिए। मतलब क्यों भाई? नहीं वो बोल रहे थे की पंकज जी जैसा छिछोरा मी कुत्ता कमीना लिचड़ छिपकली टाइप छुछुंदर टाइप आदमी नहीं हो सकता। अबे, अबे सुन, बोल कौन रहे हो? एक मिनट सर, मैं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था सर, ये वो बोल रहे थे सर। मैं तो नॉर्मल ट्रैवल एजेंट हूँ सर, मैंने तो खाली टिकटें बुक करी है। बोल के चला जाएगा तो उसकी टिकट बुक कर दोगे? एक्चुअली उन्होंने बोला, नहीं नहीं सुनो भाई मेरे, होली पे कैसे खेलते हैं? होली नहीं रंग नहीं लगाते हैं क्या? छिछोरा कैसे बात कर रही है? उन्होंने बोला है कि आप बड़े गंदे तरीके से होली खेलते हैं, मतलब आपको तमीज नहीं है होली खेलने की, और आप ना खाली होली का इंतजार करते हैं, भाभियों को रंग लगाएंगे, भाभियों को रंग लगाएंगे। हाय भाभी हो भाभी, बस चले तो आपके हाथ कहाँ कहाँ ना पहुंच जाए, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे आपके हाथ। क्या हुआ भाई मेरे, होली में तो सब चलता है यार, बुरा ना मालूम। इसीलिए सुन सुन, मुझे ना सिखा। और ये कौन तुम सारे दोनों के दोनों कुत्ते के पिल्ले साले, सामने आओ साले, भाभिया क्या आजा, तेरे भी जंगल लगा दूंगा मैं। आपने पिछले साल क्या स्विमिंग पूल में ऐसे घुस करके पैंट हवा में ऐसे करके आगे करके पीछे किया और लोगों को बोला मैजिक देखो? तो किया तो तेरा क्या जा रहा है साले कुत्ते कमीने? पानी जो आपको दिया था पीने के लिए वो ऐसे पी करके फिर स्विमिंग पूल में आपने थोड़ा सा पानी फेंक भी दिया था कुल्ली करके। हाँ तो क्या हो गया इसमें? क्या सब करते हैं, सब करते हैं। और स्विमिंग पूल में आपने सुसु भी करी है सर? सब करता हूँ मैं, करता हूँ मैं। तो इन तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको होली के टाइम में कलकत्ते में नहीं रहना चाहिए, भाभी भी सुरक्षित रहेंगी और लोगों की होली भी बड़ी शानदार तरीके से निपटेगी। जबान खींचो, मैं तुझे बताता हूँ मैं कैसे होली मनाते हैं। आ जा तुझे सर बैंकॉक जाइए, वहाँ पर आपके साथ होली खेलने वाले बहुत मिलेंगे। साला कमीना, तो हंसेंगे नहीं? त्योहारों के मौसम में दिमाग खराब कर रहा है? त्योहार को त्योहार की तरह मनाइए। अबे तू कौन होता है? मुझे सिखाने वाला हेडमास्टर है तू कहीं का? साले मेरा बाप मत बन तू। मैं हेडमास्टर तो नहीं हूँ लेकिन आपकी आवाज रेड एफएम पे जा रही है और सारे लोग सुन रहे हैं और आपका नाम भी ऑन एयर गया है। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अरे यार प्रवीण भाई यार क्या कर रहे हो यार, आपके फैन है यार हम। आप तो यार कम से कम ऐसी इंसल्ट मत करवाओ यार। देखिए बाकी सब तो ठीक है लेकिन वो स्विमिंग पूल में सुसु मत कीजिएगा। हाँ ठीक है भाई, आपने मना करके पक्का मैं मानूंगा। और भाभियों से थोड़ी दूरी मेंटेन ना। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल। हेलो प्रीतम जी, कौन बोल रहा है? आपका शुभचिंतक बोल रहे थे। शुभचिंतक? अरे कौन बोल रहा है, नाम आया कोई कि नहीं? जरा संभल के रहा कीजिए आप, ठीक है? आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बोल कौन रहा है? जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, जो कर रहे हैं आप ठीक नहीं है, सब गलत हो रहा है, ठीक है? और अगर हमारा मुँह खुल गया। अरे बोल कौन रहा, बताओगे जरा? सुनिए हम सब देखे, हम भाभी को बता देंगे। कौन हो तुम, कौन बात कर रहा है? हम जो भी बात करें, हम पहले बोले आपका शुभचिंतक है लेकिन आप जो कर रहे हैं गलत है, हम सब देखे, हम भाभी को बता देंगे और हम बता माइक काट देंगे। तुम यहाँ कह के तो बताओ यार, आप जो कर रहे हो सब ठीक नहीं। हम तुम जा रहे हो यहाँ पे बता रहे हो, क्या बता दोगे वहाँ पे? हम भाभी को बता देंगे, बोल दिया। आप इतनी देर से गाली दे रहे, चुपचाप बैठे सुन रहे? सुनिए आप एक मिनट, बता दोगे लगे हुए यहाँ पे? भाभी का नाम, भाभी का नाम मीनाक्षी, नंबर 832 98। कहाँ मिल गया तुमको नंबर? हैं? बताएं क्या? हम भाभी को बताएं अभी, बोले भाभी को। अबे पागल हो क्या यार? एक मिनट रुके तो हम अभी फोन लगाते हैं भाभी को, एक मिनट रुके अभी फोन लगाते हैं। अबे रुको, अरे अबे हेलो हेलो हेलो, अबे कहाँ घुस गए? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर, प्रीतम जी बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं की तरफ से बोल रहा हूँ, एक छोटा सा सर्वे कर रहे थे। जी बताइए। ये 3 आवाजें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपको बस बताना है क्या ये आवाजें फोन पर सुन के किसी को डर लग सकता है। पहला
ठीक है। अरे इससे कौन डरेगा, जिन की आवाज से कौन। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट सर। ये दूसरी आवाज। तबरीबाजी कर रहे हो, इससे कौन डरता है यार, ये सब कैसी बात है, वो तो गाना गा रही हो तुम, कहीं डरे। धन्यवाद सर आपका समय के लिए। ये तीसरी आवाज, फाइनल आवाज आपको सुन के बताना है। जी भैया, हम कह रहे इतना पहले कि हम भाभी को बता देंगे। तुम कहाँ से वहाँ पहुँच गए? हम दोनों साथ में हैं, भाभी को बता देंगे। अरे बहुत बड़े बहुत बड़े। प्रीतम भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। अरे भैया यार तुम लोग क्या। दादा एटा मेडिकल स्टोर। हाँ बोलिए। एक नंबर लिख लीजिएगा। हाँ, क्यों लिखूंगा, नंबर लिखे तो सही बता रहा हूँ दादा, काम है इसीलिए। अच्छा, बोल रहा हूँ ना। अच्छा बोलिए। 98316। अच्छा, डबल टू डबल टू। आपका लेक टाउन में दुकान है ना दादा? हाँ, लेक टाउन में। तो दादा जब 221 नंबर बस जाएगा ना। हाँ? तो जरा कॉल कर दीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है? तो पकड़ लीजिएगा, आप मुझे भी कॉल कर रहे हैं। नहीं मतलब आप कॉल कर देंगे तो मैं उस टाइम में निकलूंगा, फुटब्रिज पे आ जाऊंगा, वहाँ पे 221 बस पकड़ लूंगा। फोन करो, भूल कर कथा बोलते हैं। हेलो दादा। हाँ बोलूँ। आपका लेक टाउन में दुकान है ना? हाँ दादा, एक नंबर लिख लीजिए ना प्लीज। हाँ बोलूँ। 9433। अच्छा। 782। हाँ, वहाँ पे श्री भूमि का जब पंडाल लगेगा ना अभी दुर्गा पूजा में। हाँ? वहाँ से जब VIP पास बांटेगा तो हमको एक बार फोन करके बता देंगे। दवाई का दुकान है ना? हाँ, आपके ऊपर तो हम केस करेंगे। आपके दुकान से हम दवाई लिया था, उसके बाद में मेरा पूरा जीन मर गया अंदर का। वो तो सभी लोग लेते हैं, किसी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कैसे? अरे अंदर का जो जीन्स है वो पूरा मर गया मेरा। और कौन सा दवाई लिया था? डाइजीन। डाइजीन से किसी का जीन मरता है? सुबह सुबह फोन करके नाम ही तो है ना डाइजीन। डाइजीन तो सारा जीन मर गया। अरे बारे फोन बोलती रॉन्ग नंबर। अरे रॉन्ग नंबर का, दवाई का दुकान तो है ना आपका? दवाई का दुकान है लेकिन आपको भूल भाल बोल रहे हैं ना। 221 नंबर जब बस गुजरेगा कॉल कर देंगे, ठीक है? हम तो बाबा चाहते जो कंटिन्यूसली फोन करेगा ना, होते ही बारो को चाप नहीं, वैकेंसी अच्छे ना हमारे दुकान नहीं चाहते, हमारे बेटा नहीं आती खुशी अच्छे एकदम। दादा आपने दुकान पैरासिटामोल अच्छे है एक टू खे नहीं दादा, आपने माथा बैठा अच्छे ना उससे ना দাদা সবিমির VIP পাঁচটা দিয়ে দেবেন কিন্তু ফোন করে বলে দেবেন, ভুলে যাবেন না। দোকান খুলেছি কি একুশের জন্য, তো তখন 221 বাস যাবে, তখন VIP পাস যাবে, সেটার জন্য দোকান খুলেছি। VIP পাস তো যাবে না, VIP পাস তো আপনি কালেক্ট করবেন সুজিতদার কাছ থেকে। ভাই হ্যালো। হ্যালো मैं प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। अरे आगे तो बाल का जीन मर गया अंदर। हाय ऋषभ। हाँ ऋषभ बोल रहा हूँ। ऋषभ मैं दीपक बोल रहा था यार। कौन दीपक? आई एम श्योर दैट यू वोंट रिमेम्बर। मैं यार तू सेक्शन ए में था, मैं सेक्शन बी में था। हाँ याद आया? ओ या डूड हाय ब्रदर कैसे हो? मैं बिल्कुल मजे में यार, तू कैसा यार? मैं एकदम ठीक हूँ भाई, कहाँ यार? मैं एक्चुअली आई हैव शिफ्टेड टू मॉरिशियस एंड आई हैव जस्ट कम टू कलकत्ता, तो संदीप से तेरा नंबर मिला। ओके ओके भाई, राइट एकदम गुम हो गया भाई तू तो, मतलब भाई सालों बाद आवाज सुन रहा हूँ तेरा यार। हाँ एग्जैक्टली यार, बहुत टाइम हो गया यार इंडिया छोड़े हुए, वो बचपन वाले दिन याद आते हैं यार एकदम, मतलब बड़े कमाल के दिन हुआ करते थे। बात तो सही है भाई, हम लोग स्कूल में एक कैसे करे टिफिन झपट्टा मार मार के खाते थे। एंड इफ यू रिमेम्बर अपने मैचेस वगैरह हुआ करते थे, उसमें यार कैसे हम लोग मतलब मर मर के कोई एक रुपए देता कोई 50 पैसे देता और हम लोग बॉल खरीदा करते थे। हाँ बे, फिर वीकेंड में जाते थे हम लोग घूमने के लिए पैसा जमा करके यार। ले दे क्या, हम लोग एलियट पार्क ही तो गए घूमने के लिए। नाली नाली से वो दो पत्थर लगा करके बॉल उठाते थे एंड उसके बाद में बॉल को अच्छे से धोते थे, हाथ भले ही ना धोए। बात तो सही है भाई, गजब गजब दिन थे यार। ईश ची 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 ची, उसके लिए पनिशमेंट भी मिली थी। राइट, क्लास से बाहर खड़ा कर दिया था हम लोगों को स्कूल में, जो आम का पेड़ था उसपे पत्थर मार करके हम लोग आम तोड़ा करते थे एंड वी गॉट पनिश्ड मेनी अ टाइम्स फॉर दैट। वो पत्थर के चक्कर में शीशा भी तोड़ दिया था हम लोगों ने यार। हाँ बचपन में कैसे इतना खेलते कूदते थे, धूप में काले भी नहीं होते थे। अभी तो मतलब थोड़ा सा खाता हूँ यार पूरा पेट फूल जाता है, तो आई एम हिटिंग जिम एवरी डे। ओके यू रिमेम्बर दैट? सनस्क्रीन के पैसे नहीं हुआ करते थे, उसके लिए वो लगाना पड़ता था उस टाइम में। इसीलिए वो
होगा चुरा के जाते थे। तू विटामिन की गोली लेता है क्या? विटामिन की गोली विटामिन की गोली तो चल ही रही है भाई। ऐसा सरप्राइज दिया भाई, आज का दिन मेरा और अच्छा निकलेगा। अभी तो नहीं नहीं यार, अभी प्लान करते हैं मिलने का। अभी है कहाँ पे तू? मैं अभी कलकत्ता में आया हूँ यार, यहाँ में रह रहा हूँ मैं। तो आज ही मिलना भाई। हाँ मैं आज शाम का प्लान बनाता हूँ ना यार। याद है तेरे को, मतलब बचपन में ऐसे हाथ गंदे वंदे खाना ना खा लेते तो कुछ नहीं होता था अपने को। हाँ भाई, अभी तो मेरा और बुरा हाल है पता है, सैनिटाइजर वाला भी काम शुरू कर दिया मैंने। हाँ मेरे को मालूम है, तू तो दरवाजा खोलता उसके बाद में भी पहले हैंड सैनिटाइज करता है। ये कैसे पता तेरे को? हाँ, मेरे को सब मालूम है भाई। अबे नहीं नहीं, ये कैसे पता तेरे को दरवाजे वाला? क्योंकि आपके फ्रेंड ने मेरे को आपका नंबर दिया था। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। आरजे प्रवीण? हाँ जी। ओहो बेवल, मुर्गा बना रहे थे क्या? नहीं मुर्गा नहीं बना रहा था आज। एक्चुअली आज नॉस्टैल्जिया में बात करते करते ना बह गया मैं, और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि बचपन में वो कैसे खेलते कूदते थे, दिन भर ढाई मन खा लेते थे फिर भी वजन नहीं बढ़ता था, नाली से बॉल निकाल करके लाते थे, हैंड सैनिटाइज नहीं करते थे, बट फिर भी एकदम परफेक्ट रहते थे। अभी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। जी प्रवीण भाई, एक्चुअली आपने इतना नॉस्टैल्जिक मेरे को कर दिया है, मतलब फिर रोना ही बाकी है। मतलब ऐसे दिन याद दिला दिया आपने मेरे को, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। हेलो। हाँ भैया, वो हम आपका मोबाइल दुकान से भैया फोन लेकर के गए थे। जी आपका नाम? तो अरे नाम क्या रखा भैया, नाम हमारा ऐसे ही खराब है। कौन सा फोन लेकर गए थे? का अच्छा, आपका फोन भैया खराब निकल गया है बहुत। क्या क्या क्या? हम जब हम अपना गर्लफ्रेंड से बात कर रहे, दिन में भैया बात हो रहा है लेकिन रात को जैसे ही होता है ना भैया, तो रात को फोन पे बात नहीं हो पाता है। नेटवर्क नहीं आते क्या? नेटवर्क वेटवर्क सब भैया। हम रात को जैसे ना 11 बजे से 4 बजे तक फोन करते हैं ना गर्लफ्रेंड को, तो कंटिन्यूस बता रहा है द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी ऑन अनदर कॉल। हां तो बिजी है ना वो दूसरी कॉल पे। ये फोन का खराबी, हमारी गर्लफ्रेंड बहुत सही है। गर्लफ्रेंड ठीक है लेकिन फोन किसी और को मिला रखा उन्होंने। ये एक दिन होता तो हम मान लेते, ये दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन सात दिन से लगातार हो रहा है, 11 बजे से 4 बजे तक फोन बिजी है। सात दिन तो अभी पता लगा तुम्हें, ये बहुत टाइम से हो रहा है। नहीं किसी और से नहीं बात कर रही है, हमारी गर्लफ्रेंड हमको बहुत प्यार करती है। हमारा जब 8 बजे बात हुआ सुबह उससे, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ तेरे से सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन भैया 11 से 4 बजे वो किसी और से बात कर रही है। आप उस पर लांछन लगा रहे हैं, बता रहे हैं। अरे लांछन क्या, मैं बोल रहा हूँ वो बात किसी और से कर रही है। अब क्या बात कर रही है ये? हम भैया 8 बजे जब उसको फोन लगा रहे तो रिंग हो जा रहा है, वो ऐसे उठ के बोले बेबी क्या हुआ बेबी, तो मैंने उसको बोला कि रात को फोन किए, तो बोली मैं तो फ्री थी बेबी लगा नहीं। ओ भाई ओ सुन सुन सुन, हाँ कटवा रहा है तू अपना। क्या बोले? झूठ बोल रही है किसी और के साथ है वो। क्या बोले आप, थोड़ा जोर से बोलिएगा। वो लड़की तेरा काट रही है और तू बेवकूफ कटवाया जा रहा है। बेबी सुनो सुन भैया, एक बार और बोलिएगा, लाउड स्पीकर पे बोलिए, ऑन करते लाउड। तू बिल्कुल ही नहीं कर रही है तेरी गर्लफ्रेंड। हेलो बात क्या है, मैं बना रही हूँ इनका, तुम क्या बोल रहे हो? अरे आप हो कौन? अरे भैया मेरी गर्लफ्रेंड है, साथ में बैठी थी, हम लाउड स्पीकर ऑन करके बता दिए कि आप बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रही है, सुन लिए आप। ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं बना रही हूँ? अरे तू पागल है क्या, लाउड स्पीकर बोल के बंद। तुम खुद हो पागल साला। अरे दीदी आप मेरा रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपका आपकी शादी हो गया। कितने मुश्किल से लड़का पटाया, रेलवे में काम करता है। अगर इतनी मुश्किल से पटाया तो रात 11 से 4 फोन बिजी क्यों जा रहा है? फोन खराब है, तुम्हारे बारे में भी कंप्लेन करूंगी और जो कंपनी है उसके बारे में भी कंप्लेन करूंगी। दीदी हमारी गर्लफ्रेंड गलत नहीं है, गाय है, गाय हम बता रहे आपको। अरे तू पहले चुप हो जा, मैं संभालता हूँ। दीदी ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, आप ठीक हो, आज आप ना 11 बजे फोन ना फ्री रखना ठीक है। कहा है? अरे मतलब फोन मत समझा भाई, छोड़ हंस रहा। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, मुर्गा बना रहे थे भाई। हेलो, आपने কি বিপ্লব বলছেন? হ্যাঁ বলছি। বিপ্লব আমরা একটা এনজিও থেকে কল করছিলাম, আমরা কিছু একটা কাপড় আপনার কাছ থেকে ডোনেশন হিসেবে চেয়েছিলাম। আচ্ছা, তো আপনার বাড়িতে কখন আসবো জামা কাপড় নিতে? মানে আমি বুঝতে পারলাম না। না দাদা, আপনার কাছে একটা ফ্লোরেসেন্ট অরেঞ্জ কালারের জ্যাকেট আছে। হ্যাঁ আছে। তো আমরা ওইটা চাইছি। বাট ওটা আমি দেবো না, ওটা আমার গিফট ওটা। না দাদা, ওটা আপনাকে দিতে হবে দাদা। না দাদা আমি দিতে পারবো না। না না দাদা, এটা ডোনেশন হিসেবে দাদা আপনাকে দিতে হবে দাদা, আপনার জন্য। আমাদের সঙ্গে একটা ছোট্ট মানে আমি ফ্লোরোসেন্ট কালারের জ্যাকেট পরে কার
অনেক অসুবিধা হয়েছে একটা ছেলের, দৃষ্টিবিহীন হয়ে গেছে। এই বল কথা বল। দাদা আমি ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না। শোন, যদি তোর কেউ বন্ধু বান্ধব হোস না, এমন কেলাম কেলাবো না, তুমি ক্যালেন্ডার বানিয়ে। দাদা আমার কিছু দেখতে পাচ্ছি না, চারিদিকে শুধু কমলা রং দেখছি দাদা। আমি সেই বলছি না যেটা আপনি ভাবছেন। আমরা আসলে একটা পূজো কমিটির থেকে বলছিলাম। ওকে, আমরা চাইছি যে এই বছর আপনি আমাদের পূজোয় আসুন। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা চাই যে চন্দননগর থেকে লাইটিং আমরা আনাবো না, আমরা চাই আপনি দাঁড়াবেন, আপনার মুখে প্রত্যেক দিন এক একটা করে মুখোশ দেবো। একদিন বাতাখের মুখোশ, একদিন ডাইনোসরের মুখোশ, আপনি সেই মুখোশটা পরে আপনি শুধু নিচে ওপর নিচে ওপর নিচে ওপর করবেন। ওই তুই আমাকে নিয়ে ইয়ারকি মারছিস তো? আমি জানি তুই পাড়ার বাবলু বলছিস, তুই ওখানে থাক। লাইটিং চকমকে পুরো এলাকায় ভর্তি হয়ে যাবে, আলোকিত হয়ে উঠবে আমাদের এলাকা। ওই ফ্লোরেসেন্ট জ্যাকেট পরে আপনি ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি। হ্যালো জি, নমস্কার। মানে আমি তাপ বচ্চন বল রা থা, আপকো মুবারকবাদ দেনে কে লিয়ে কল কিয়া থা। মুবারকবাদ কিস বার কা সার জি? জি, মানে ইয়ারানা মে এক কপড়ে পাইনি থে পুরে ঝিকিমিকি, উসকে বাদ মে হামনে সুনা কি এক আপ হি হ্যায় জো ফ্লোরোসেন্ট অরেঞ্জ ঝিকিমিকি পাইন কে নিকল রহে হ্যায় আজকাল। হ্যায় এই আবার তুই ফোন করেছিস সালা, কেন ভাই করছিস ভাই? আমি কাজের মধ্যে আছি। থাম না ভাই, কি করছিস ভাই? এক কল কেন করছিস ভাই? এটা আমার গার্লফ্রেন্ড দিয়েছে। পলাশ বাবু বলছেন কি? আমি পলাশ বাবু বলছি, আপনি কে বলছেন? আপনার কাছে আমি প্যাকেজ নিয়েছিলাম, বলেছিলেন এক মাসে সব জায়গায় গুলি বেরোবে। কোথায় গুলি? আমি কি বন্দুকের গুলি বলেছিলাম? আমার কোনো গুলি ফলেনি, হাত পা পেট কোনো গুলি ফুলছে না, হচ্ছেটা কি এটা? আপনি কবে নিয়েছিলেন মেম্বারশিপ? আমি দেড় মাস আগে নিয়েছি, আপনি বলেছিলেন এক মাসের মধ্যে গুলি ফুলবে, কোনো গুলি ফুলছে না, গাঁটের গুলি অব্দি ফলেনি আমার। আপনি আবার কারা কথা শুরু, আপনাকে আমাদের যে ইন্সট্রাকচার যে হয়তো চার্ট ফার্ট দিয়েছিল, আপনি কি সেটা ঠিকভাবে ফলো আপ করছেন? সব চার্ট আমার করা রয়েছে। সময় তো দিতে হবে স্যার। কিসের সময় দেবো? ওই গুলে খেতে গিয়ে তো আমার সারাক্ষণ শুধু বাথরুমে কেটে যাচ্ছে, বাঁতে জল শুকুচ্ছে না। আপনি আবার বলেছিলেন নাকি যে গুলি ফুলবে? গুলি কই? এই সমস্ত ব্যাপারে অত তাড়াহুড়ো করলে চলে না। তাহলে আপনি বলেছিলেন কেন যে এক মাসে গুলি ফুলবে? দেড় মাস হয়ে গেল, আমার গুলি কোথায়? সব গুলি কিন্তু আপনাকে ফেরত দিতে হবে। আপনি একটা কথা শুনুন, আপনি আর কিছুদিন চালান, তারপরে যদি না হয় তখন আপনি আমাদেরকে বলবেন। আপনি এক মাসের জন্য আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন, এখন দেড় মাস হয়ে গেছে। আর আমি আপনাকে একটু পরে আবার ফোন করছি। না কেন আপনি ফোন করবেন আগে? আমার উত্তর দিন, আমার গুলি কোথায় গেল? আমার এখন এখানে জিমের টাইম টাইম তো এখন খুব অনেক লোকে জিম করতে। আমার দেড় মাস টাইম চলে গেল, আপনি এখন আপনার জিমের টাইম দেখাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেড় মাস টাইম চলে গেলে ঠিক আছে, আপনি একটু তো ধৈর্য ধরবেন। শুনুন, আপনি যদি আমার বডির গুলি না বেরোয় আমি কিন্তু অন্য গুলি দেখাবো আপনাকে। ঠিক আছে, আমি আপনাকে স্যার একটু পরে ফোন করছি। পরে ফোন করছেন, এখন আমাকে ক্লিয়ার করুন। আপনি অনেক কথা বলছেন, ঠিক আছে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, গালাগালি করলো। হ্যালো, নমস্কার জি। হ্যাঁ, আপনি কি পলাশ বাবু বলছেন? হ্যাঁ, পলাশ বাবু বলছি। একটু আগে আপনাকে একটি ছেলে ফোন করেছিল, আমি তার ফোন করে খুব রাগারাগি করছিলাম। আমি তার কাকা বলছি। আপনি ওকে গালাগাল করেছেন একটা জিম ইনস্ট্রাক্টর হয়ে? এটা আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত। দেড় মাস বলেছিলেন এক মাসে ওর নাকি বডি ফিরবে, তারপর দেড় মাস বাদেও যখন ওর শরীর ঠিক হচ্ছে না, আপনাকে ফোন করলে আপনি তা বলে গালাগালি করবেন? মানহানির মামলা করে দেবো। ওকে গালাগালি করতে চাইনি, কিন্তু উনি এমন ভাবে রাগারাগি করে চেঁচামেচি করছিলেন। আমি ওনাকে বলছিলাম প্রথমে যে আপনি ধৈর্য ধরুন। আপনি ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট করেছেন, আপনারা বলেছিলেন এক মাস, তারপর এখন দেড় মাসের পর আপনি বলছেন ধৈর্য ধরুন। আমি আপনার নামে থানায় ডায়েরি করব। না স্যার, প্লিজ ওই সমস্ত করতে যাবেন না প্লিজ। আমি ইচ্ছা করে গালাগালি দিতে যাইনি। আর আপনি জানেন উনি এমন ভাবে কথা বলছিলেন, আমি একটু চাপ খেয়ে গেছিলাম, চাপ খেয়ে মুখ থেকে। আপনি দেড় মিনিট সহ্য করতে পারলেন না, আর বাচ্চা ছেলেটা দেড় মাস ধরে কি রোগরান কি রোগরান রোগেছে জানেন? যেখানে যা পেরেছে ধরে ঝুলেছে, যদি একটু গুলি বেরোয়। আমি 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 ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি ইচ্ছা করে গালাগালি করে দিন, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে কাজের চাপে। হ্যাঁ, আপনি গুগলি দিচ্ছেন এখন, গুগলি বলুন কি? না স্যার, কি করতে হবে আপনি আমাকে বলুন।
না এটা আপনাকে আমিও গুগলি দিলাম। নমস্কার, আমার নাম কাঞ্চন মল্লিক। পলাশ বাবু আপনি চাপ নেবেন না, গুগলি সিনেমা আসছে, আপনাকে একটু আমি একটু মুরগি করার জন্য ফোন করেছিলাম। সবার গুলি ঠিক আছে বুঝলেন, শুধু টিকিট কেটে সিনেমা হলে গিয়ে গুগলি ছবিটা দেখবেন। না না ওটা কিছু না, ওটা তো চাপ পড়লেই বেরিয়ে যায়, ওটা ছেড়ে দিও, আবেগ আবেগ, গুগলি দেখবেন। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विक्रांत जी का, जिन्हें वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड का फोन इतना वेटिंग पे रखते हैं कि आज वो अपना बदला बैंड के थ्रू निकलवा रही हैं। बजाओ। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, आई एम टॉकिंग टू मिस्टर विक्रांत। या हाय विक्रांत, एक सेकंड जरा, चौबे जी बात करेंगे आपसे। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद, चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार, किससे बात करिए बताइए। चौबे जी, चौबे जी एक सेकंड क्षमा चाहूंगा आपसे, एक सेकंड अभी आ रहे हैं। चौबे जी, चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद, चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हेलो, हाँ जी बिल्ली खरोला बात कर रही हूँ, बताइए कौन। चौबे जी, चौबे जी एक सेकंड, चौबे का फिर तो गलत जगह फंस गया आप, एक सेकंड। अरे भाई बता तो दो कौन है ये चौबे। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद, चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहा है। चौबे जी से बात करनी थी जी। एक सेकंड जरा होल्ड करो आप, चौबे जी के लिए आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है। अपॉइंटमेंट मेरे को तो उनका फोन आया था जी, आपके किसी कॉल एग्जीक्यूटिव का, चौबे जी से बात। एक सेकंड होल्ड करो जरा। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद, चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे।